नीतीश का दावा जान दे देंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आखिर क्यों अचानक बीजेपी के खिलाफ नीतीश के सुर हुए तीखे? बीजेपी का दावा, नीतीश चाहते हैं समझौता लेकिन हम तैयार नहीं। नड्डा शाह नीतीश के साथ समझौते को कर दिया इनकार। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सुलह होगी, इसकी संभावना अब दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी अब नीतीश से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। अब उनसे राजनीतिक दुश्मनी का रिश्ता शुरू हो चुका है जिसे निभाया जाएगा। नीतीश चाहे भी तो बीजेपी उनके साथ अब गठबंधन नहीं करेगी। तावड़े के बयान के बाद अब पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि अब जेडीयू के साथ जाना मंजूर नहीं है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने सवाल किया गया क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो नीतीश ने कहा, मेरी जान चली जाएगी लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब हमारे साथ तेजस्वी हैं, इन्हें दूर करने के लिए फिर से बीजेपी फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी अब पुरानी बीजेपी नहीं रही। जो बीजेपी के नेता हैं वो एक नई बीजेपी बन चुकी है। पुराने नेताओं से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे। नीतीश ने कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ जाना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे, उनके साथ सरकार चलाई। 2017 में ये लोग हमारे पीछे लग गए थे, तब हमसे गलती हो गई, हम बीजेपी के साथ चले गए। बाद में हमें लगा कि गलत हो गया। 2020 में हमारे वोट से बीजेपी के लिए जीत गए लेकिन उनके लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। इस बार हमें ही हराकर हमारा ही वोट लेकर जीत गए और अब हमें ही चुनौती दे रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद हम सीएम भी नहीं बनना चाहते थे। नीतीश कुमार भले ही अटल आडवाणी की तारीफ कर रहे हों लेकिन उन पर निशाना साधने का मौका भी नहीं चूक रहे। नीतीश ने कहा, जब हमारा अलायंस बीजेपी से था तो 2005 और 2010 के चुनाव में कौन कितना सीट जीता था, उस समय भी बीजेपी गड़बड़ी करती थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना जैसी पार्टी को बिहार में लड़वाया जाता था। उनका सिंबल तीर धनुष था जिससे हमारे वोटर भ्रमित हो जाते थे, उससे हमारे 5 से 7 लोग चुनाव हार जाते थे। 2010 तक बीजेपी में अटल आडवाणी का दौर था और नीतीश कुमार बातों बातों में अटल बिहारी वाजपेयी पर भी निशाना साध गए। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि 2013 में आप तो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर भी आपने भाजपा के साथ गठबंधन किया। चौधरी ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बैठाकर मुख्यमंत्री बनाया, अभी आप जिसके कंधे पर हैं उसको भी भाजपा ने ही बनाया। 2024 में आपको कितनी सीट मिलेगी ये सबको पता है, आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश को एहसास हो चुका है कि बीजेपी अब उनके झांसे में नहीं आएगी, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा था कि दिल्ली में मेरी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार को लेकर भी बात हुई लेकिन नड्डा और शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश भरोसे के व्यक्ति नहीं है, बीजेपी उनके साथ अब भविष्य में कोई समझौता नहीं करेगी। तावड़े ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ एक राजनीतिक स्थिति है कि वो किसी के सगे नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश कुमार ने जिसे ठगा नहीं। सबसे पहले देवीलाल, लालू यादव, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव के बाद अब बीजेपी उनकी शिकार बनी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच तो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, साथ ही जेडीयू के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं, आरजेडी के साथ हुई डील का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।